हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो मेरे पास आज वन प्लस नोड आया हुआ है, जो कि रिस्टार्ट प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, जो कि आप देख रहे हो दोस्तों। इसमें ये प्रॉब्लम है, ऑन करने के बाद तुरंत रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसमें के दोस्तों डिस्प्ले भी मैंने चेक दूसरी डाल के चेक किया था, बैटरी भी चेंज करके चेक किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। जो कहाँ से था वो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको मोबाइल दिखा देख सकते हो दोस्तों, जो हमारा रिस्टार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम कहाँ से था ये। ठीक है दोस्तों, मैं मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीन आईसी लगी हुई है। ये पावर आईसी है दोस्तों हमारी। ठीक है, इसके ऊपर आपको रोजिन लगाना है दोस्तों। ठीक है, और आपको बैटरी लगा के चार्जिंग में लगाना है। अगर ये आईसी हीटिंग होती है तो जो मेरा प्रॉब्लम था वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, जो मैं आपको सेंसर का ऊपर वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ, नीचे वाला ग्राउंड है और ऊपर वाला जो पॉइंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पाँचों में से कोई भी ग्राउंड होता है तो अगर आईसी हीट होगी दोस्तों। और मेरा ये ऊपर वाला ही पॉइंट ही दोस्तों ग्राउंड था, जो सेंसर में सेंसर है। ठीक है, ये बीच की प्लेट है दोस्तों और ये ऊपर का सेंसर है। ठीक है, ये ग्राउंड होने की वजह से दोस्तों ये रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था फोन में। इस तरह से लगा होता है दोस्तों। मैं तो एक बार लगा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने लगा दिया इसको। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन से वाला पॉइंट आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नीचे की साइड फर्स्ट वाला पॉइंट है। हाँ वही, वो आपको चेक करना है। अगर वो ग्राउंड बोल रहा है दोस्तों, अगर आपका वो पॉइंट ग्राउंड बोल रहा है तो ये रिस्टार्ट का प्रॉब्लम यहीं से होगा। ठीक है दोस्तों, सेंसर निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे की साइड दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो दोस्तों, जो ब्लैक कलर का रजिस्टर है उसके बाजू में मैंने ब्लैक कलर के रजिस्टर के बाजू में बिल्कुल एक कैपेसिटर था, वो मैंने निकाल दिया है, जो कि वो शॉर्ट हो चुका था दोस्तों। ठीक है, वो आपको चेक करना है। मैंने जो जगह दिखा दी, ठीक है, वहाँ पे आपको। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर अभी जो हमारा सेंसर है वो लगा देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, एक बार आप इस टाइप ये सेंसर को भी चेक कर ले दोस्तों। अगर ये शॉर्टिंग होगा तो आपका 100% ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले तो दोस्तों आप बैटरी को ही चेक करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि हमारा फोन कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक बार चालू करके देख लेते हैं क्योंकि सेंसर लगाया है फिर से हमने। देखिए दोस्तों, इसमें बैटरी का भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, या फिर सीपीयू का भी इश्यू हो सकता है, लेकिन पहले आपको चेक करना है मदरबोर्ड को पूरा। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर करवा के देख ले, बैटरी चेंज करके देख ले। ठीक है, या डिस्प्ले डाल के एक बार चेक कर लो, फिर जाके मदरबोर्ड पे काम करना है दोस्तों। ठीक है, अगर ये तीनों में से नहीं है तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। अगर शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों तो सीपीयू का प्रॉब्लम होगा 100%। ठीक है, देखो ये हमारा शॉर्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हो चुका है हमारा फोन।